बताइए कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ से अगर बाइक कोई खरीदता है सेकेंड हैंड है, तो उसके लिए सर्विसिंग वगैरह कुछ फ्री देते हैं? या आप नीजिए ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर आता है सेकेंड हैंड पुरानी बाइक खरीदने के लिए, तो रोज आती है, रोज बिकती है, रोज आती तो है। आप जैसे आपने बोला कि जाए किसी बाइक का ज़्यादा डिमांड रहता है, तो आप पहले से बुक करा सकते? गाड़ियाँ होती है हीरो की, पैशन प्रो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। अच्छा अच्छा ये गाड़ी भी ये सबसे अपडेट मॉडल है ये जी। अच्छा आप स्कूटी वगैरह भी रखते हैं? अच्छा प्राइस वगैरह क्या है सबका, अलग तीनों को बताइए तो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का आदमी यहाँ का बाइक खरीद सकता है? आपसे भी आ सकता है कहीं भी। हमारे यहाँ आपको 15,000 से भी स्टार्ट है, बिहार से भी लोग आते हैं गाड़ियाँ लेने के लिए। मॉडल वगैरह दिखाइए, अपडेट मॉडल भी आप रखते होंगे आपके पास? देखिए हमारे यहाँ आपको 15,000 से भी स्टार्ट। हाँ बाइक खरीदने आए का? हाँ। अच्छा अच्छा पहली बार आया है? नहीं हाँ दूसरी बार आए। दूसरी बार आया है तो चेक करने आया है। हाँ आवाज कम है। अच्छा अच्छा इसलिए हमें होंडा साइन पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी को बिल्कुल ना दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय में दोस्तों मैं वाराणसी के पांडेपुर में आ गया हूँ दोस्तों, और जस्ट मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल में दोस्तों मैं हूँ दोस्तों जस्ट, और दोस्तों सामने मिश्रा पेट्रोल पंप है दोस्तों, और देखिए बीटी मॉल है दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं मैं इस बीटी मॉल में आ गया हूँ, और वीडियो का टाइटल थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि क्या नई जानकारी मिलेगी। तो जस्ट बीटी मॉल से दोस्तों आप जस्ट बगल वाली जो गली है, तो उस गली में दोस्तों आप जाएंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, और अब क्या नई जानकारी मिलेगी, तो आपसे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस गली में ले चलता हूँ, तो आपसे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो चला तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल घंटी भी दबाएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए मैं आपको नई चीज़ दिखाता हूँ, समझाता हूँ दोस्तों। मेन रोड से बीटी मॉल जो है, उस मॉल से दोस्तों आप 10 कदम मुश्किल से चलेंगे तो आपको बाएं साइड में एक बिल्डिंग आपको बड़ा सा दिखेगा दोस्तों, देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग में आपको आपको आना है और सेकेंड हैंड बाइक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ आ गया हूँ। Lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know. दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं पांडेपुर के जस्ट मैं एक सेकेंड हैंड बाइक जो शोरूम है वहां आ गया दोस्तों। आप यहां पर आकर कैसे सेकेंड हैंड बाइक खरीदेंगे और बाइक खरीदने के लिए यहां का टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो उसके विषय में यहां की जो शॉप ऑनर है मैं उनसे बात करता हूं कि आप सभी के लिए क्या नई जानकारी थी। आपसे वीडियो के अंत तक बने रहिए, अब वीडियो चला तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। हेलो आपका क्या नाम हुआ? अमनेश सिंह जी, ये बताया कि आपकी ये शॉप कहां पे है? जस्ट बीटू मॉल के बगल वाली जो गली आती है उस गली में जस्ट 2-4 कदम चलेंगे तो आपको दाहिने बाएं साइड जो बिल्डिंग है, तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा है तो उस वीडियो को देखकर आप यहां आ सकते हैं। अच्छा आप बताइए, आप सेकंड हैंड या बाइक जो बेचते हैं किस किस कंडीशन का रहता है? सारी फाइन कंडीशन। अच्छा अच्छा सभी कंपनी का? अच्छा 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 अभी बताइए कि माइलेज वगैरह क्या रहता है गाड़ी के वगैरह का? देखिए माइलेज तो गाड़ियों पर डिपेंड करता है, अगर आप स्टार सिटी, स्टार स्पोर्ट, स्प्लेंडर या अगर ये सब 100 सीसी की गाड़ियाँ ले रहे हैं तो उनका 50 to 55 माइलेज है, अगर 160 सीसी में जा रहा है तो 40 to 45 है, 100 सीसी में जा रहा है तो 30 to 35। अच्छा अवनीश जी बताइए कि आपके यहाँ जो बाइक बिकती है किस रेंज से शुरू होता है? देखिए हमारे यहाँ आपको 15,000 से भी स्टार्टिंग गाड़ियाँ मिल जाएंगी, मिनिमम आपको 15,000 जैसे 25,000-30,000 की ज़्यादा से ज़्यादा। गाड़ी के कंडीशन पे प्राइस डिपेंड करता है जी, किस कंडीशन में है? बिल्कुल। अच्छा गाड़ी का मॉडल वगैरह अलग अलग मॉडल रखते हैं ना? सबका मॉडल अलग होता है। अच्छा जिस ढंग से कस्टमर की डिमांड हो उस हिसाब से देते हैं। अच्छा कुछ मॉडल वगैरह दिखाइए, अपडेट मॉडल भी आप रखते होंगे आपके पास? जैसे इस गाड़ी के बारे में बताइए तो, ये सुपर स्प्लेंडर है। अच्छा सुपर स्प्लेंडर है, 2017-18 मॉडल। अच्छा अच्छा 2017-18 मॉडल है ये, और इसका माइलेज एवरेज वगैरह बताइए कंडीशन? 45 का है। इसका प्राइस वगैरह? 50 का। जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा वही 50,000 में गाड़ी पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा और ये जो है? ये होंडा शाइन है। अच्छा हिंडो शाइन दिखाइए। इसका प्राइस क्या है? 28,000। इसका एवरेज वगैरह, इसका किलोमीटर वगैरह? किलोमीटर आप माइलेज के हिसाब से देखेंगे तो इसका भी वही है, 50-52 का माइलेज होगा। अच्छा अच्छा
अच्छा ये बताइए कि आप जो गाड़ी यहाँ जो बेचते हैं तो सिर्फ बनारस में ही बनारस सिटी के अंदर बेचते हैं या आउट ऑफ सिटी भी बेचते हैं? नहीं, बेचने को तो हमारे यहाँ आते हैं, बिहार से भी लोग आते हैं गाड़ियाँ लेने के लिए। अच्छा अच्छा तो लेकिन वो तो यूपी नंबर होगा ना गाड़ियाँ? हम आपसे बता रहे ना कि हमने बनारस की गाड़ियाँ हम बेचते हैं। अगर 90% गाड़ियाँ हमारे पास वाराणसी की होती हैं, बाकी गाड़ियाँ जो आपको मिल जाएंगी जैसे जौनपुर का, गाजीपुर का, मिर्जापुर का, 10% गाड़ियाँ बाहर डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ 90% हमारे यहाँ बनारस की होती हैं। लेकिन जो नव गाड़ी बाहर से जो खरीदेगा कस्टमर तो उसका नंबर वगैरह चेंज करने की क्या प्रक्रिया है? नंबर नहीं चेंज होता है, अगर आप यहाँ नहीं कहीं और भी आप चेंज कराएंगे तो अगर आप स्टेट में डिस्ट्रिक्ट चेंज कर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं तो आपको नंबर नहीं चेंज होता। अगर स्टेट चेंज नहीं, डिस्ट्रिक्ट से बाहर है जैसे आउट ऑफ स्टेट हो गया, बिहार से मान लीजिए सपोर्ट डेट वहाँ से कस्टमर आ गया चेंज करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप ये फैसिलिटी देते हैं या कस्टमर खुद करवाते हैं? हमारे यहाँ आरटीओ से संबंधित सारी फैसिलिटी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया का आदमी यहाँ का बाइक खरीद सकता है, आपसे भी आ सकता है कहीं भी आप, और नंबर वगैरह चेंज करा सकता है पूरे कागज के साथ? जी जी जी, सब करा के देते हैं। अब आपको बगल में सारनाथ है, अच्छा, जितने बौद्ध धर्म वाले हैं सब हमारे यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो उन लोगों का नेपाल का होता है, दूसरी जगह का होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ। अच्छा, आप स्कूटी वगैरह भी रखते हैं? जी, तो दिखाइए स्कूटी कहाँ है, कुछ अपडेट मॉडल में दिखाइए जो इसका एवरेज वगैरह सही हो। ये आपका है, हाँ ये आपका है, देखिए हाँ तीनों है। अच्छा, क्या है ये? 2016 मॉडल है जी, 2017 मॉडल है। अच्छा अच्छा जी, इसका एवरेज वगैरह सब क्या है? ये माइलेज में वही आपको स्कूटी में सबकी माइलेज लगभग 45 के आसपास में होती है। अच्छा, प्राइस वगैरह क्या है सबका, तीनों का बताइए तो। प्राइस ये आपको मिल जाएगी 30 में पड़ जाएगी। अच्छा, ये आपको ये भी पड़ जाएगी, मान के चलिएगा 28 में ये गाड़ी पड़ जाएगी। अच्छा, ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी 20,000 की, ये गाड़ी स्कूटी। अच्छा अच्छा, बाकी पीछे मेस्ट्रो लगा हुआ है। अच्छा, मेस्ट्रो वो है जो मेस्ट्रो ये जो है, ये मेस्ट्रो है। इसका एवरेज वगैरह क्या है? ये 45 माइलेज स्कूटी में, सबका माइलेज वही एक ही होता है। अच्छा अच्छा, स्कूटी में सबका एक ही माइलेज होता है। अच्छा, किलोमीटर वगैरह कितना चला होगा ये? किलोमीटर 17,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा चला। और प्राइस क्या बोले आपने? प्राइस आपको पड़ जाएगा वही 42। 42 है ये? ये सबसे अपडेट मॉडल है ये जी। अच्छा, आपके पास कोई और नया मॉडल दिखाइए। ये जैसे देखिए हमारे पास गाड़ियाँ रोज आती है। एक ये स्कूटी है, इसके बारे में बताइए तो, ये किस कंपनी का है? ये भी मेस्ट्रो है, हीरो मेस्ट्रो, मेस्ट्रो है, हीरो मेस्ट्रो है, ये रेड कलर का है ये जी। इसका प्राइस क्या है? ये पड़ जाएगा आपको 37 का हो गया। और ये कौन सी बाइक है? ये एक्सल है, एक्सल 100। इसका क्या काम होता है? अच्छा अवनीत जी, ये बाइक जो टीवीएस का है ये कितना प्राइस है इसका? ये आपको 25,000 में पड़ जाएगी। 25,000 का पड़ जाएगा। और ये बाइक जो है प्लैटिनम? ये प्लैटिनम है। अच्छा अच्छा, इसका प्राइस? ये आपको 40। अच्छा, एवरेज वगैरह माइलेज में तो सबसे ज़्यादा प्लैटिनम का माइलेज होता है, अगर गाड़ियों में देखा जाए तो इनका 75 का माइलेज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास और कुछ बाइक सभी इधर कौन सी बाइक है? डिस्कवर का ये देखिए, ये सब नई वाली गाड़ियाँ होती है, हीरो की पैशन प्रो सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी भी आपको पड़ जाएगी 28,000 की गाड़ी पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, आपके माध्यम से अगर आ रहा है कस्टमर आपकी तो कुछ विशेष कुछ देंगे अगर तो। दोस्तों, आप इसके माध्यम से आते हैं तो आपको एक विशेष मिले। ये हीरो होंडा कौन सा है? हिंडो साइन है ये। इसका एवरेज वगैरह क्या है? ये भी वही होता है, 50 का माइलेज होता है इनका। 50 का होता है। कौन सा मॉडल है ये? 2013-14 मॉडल। अपडेट मॉडल है ये? जी जी, ये 14-15 मॉडल। अच्छा अच्छा अच्छा, 15 मॉडल है, जैसा कि दोस्तों आप इसके 14 लाख से 15। अच्छा अच्छा, और आपके पास ये महिंद्रा का है ये? जी, ये महिंद्रा है। इसका एवरेज क्या है या किस कौन सा मॉडल है ये? ये भी 7 का माइलेज है इसका। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ हर मॉडल का और हर रेंज का हर कंपनी का है? हर कंपनी की गाड़ियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। और ये गाड़ियाँ रोज आती हैं, रोज बिकती हैं। रोज आती हैं जी। ये इसमें से आप जो अगर नेक्स्ट वीक आएंगे तो इसमें से गाड़ियाँ लगभग 90% बिक चुकी होंगी और दूसरी गाड़ियाँ आ गई। अच्छा, अवनीत जी ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर आता है सेकेंड हैंड पुरानी बाइक खरीदने के लिए, तो ज़्यादातर कस्टमर की डिमांड क्या होता है, कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, अगर लड़के आते हैं तो ये ज़्यादातर आर1 मांगते हैं। अच्छा, अपाची मांगते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो पैशन होता है। अच्छा अच्छा, सुपर स्प्लेंडर होता है। अच्छा, स्प्लेंडर होता है, बाकी आप आते हैं होंडा शाइन, ये गाड़ियाँ होती है तुरंत बिक जाती हैं।
माइलेज वाले होते हैं जिनको फील्ड वर्क करना है वो लोग स्टार सिटी ले जाते हैं, स्टार स्पोर्ट ले जाते हैं, प्लेटिना हमने दिखाया आपको प्लेटिना ले जाते हैं। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से लोग गाड़ियाँ हमारे खरीदते हैं। अच्छा अमनी जी ये बताइए कि अगर आपसे कस्टमर जो आप जैसे आपने बोला कि जाए किसी बाइक का ज़्यादा डिमांड रहता है तो आप पहले से बुक करा सकता है कस्टमर? बिल्कुल बुक करा सकता है। अच्छा अच्छा जी, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, आपसे कैसे संपर्क करेगा, क्या कहना होगा कि आप पहले से बुक, जैसे किसी को पल्सर चाहिए वो आप अपना डिटेल लिखवाते हैं लोग, लिखवा देते हैं गाड़ी का डिटेल यहाँ पे लिखवा देते हैं लोग, उस हिसाब से गाड़ियाँ आती है तो उनको कॉल करके बुलाया जाता है उस हिसाब से। और यहाँ जो कागज वगैरह है पूरा ओके करके देते हैं? अच्छा अच्छा, पूरा फोटो वगैरह खींचते प्रूफ के साथ देते हैं कि किसी तरह की कोई बाद में समस्या ना हो कस्टमर को कि सेकंड हैंड बाइक खरीदा है। कोई आईडी लेके आया है, अपना आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड कुछ या ड्राइविंग लाइसेंस को जमा करा रहा तभी हम गाड़ियाँ छोड़ते हैं, नहीं गाड़ी हम दे देते हैं। अच्छा, मैंने ये डॉक्यूमेंट चाहिए तभी आप गाड़ी यहाँ से देते हैं, हैंड ओवर करते हैं? डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा। अच्छा अच्छा, फोटो के साथ। अच्छा अपनी जी बताए, आपके यहाँ सर्विसिंग की भी सुविधा है? जी सर्विसिंग हमारा है, हमारा अपना थोड़ा दिखाइए तो सर्विसिंग। तो दोस्तों चलिए, इनके सर्विसिंग की जो फैसिलिटी है इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और इस पांडेपुर में आकर बीटी मॉल के जस्ट पीछे आप यहां आकर सेकंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि इनका सर्विस सेंटर है, तो हर तरह के बाइक बनता है। अच्छा, यहाँ जो कौन आदमी यहाँ बाइक बनवा सकता है, अपनी सर्विसिंग करा सकता है? ठीक, बाहरी गाड़ियाँ नहीं सर्विस होती हैं, जो यहाँ से खरीदा है सेकंड हैंड बाइक वही यहाँ आकर बना सकता है, तो आपकी गाड़ी सर्विस कराई जाएगी, अदरवाइज हम बाहरी गाड़ी सर्विस नहीं करते। अच्छा, यहाँ जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो लगता है, डैमेज वगैरह हो गया या चेंज कराना हो तो आप अवेलेबल कराते या मार्केट से कस्टमर खुद खरीद के लाना पड़ता है? अगर कस्टमर चाहे तो खुद खरीद के लाके अपना करवा सकता है। अच्छा अच्छा, तो ज़्यादातर हम अपनी स्पेयर पार्ट्स में खुद मंगवाता हूँ, खुद वहाँ पर। अच्छा अच्छा, अपनी जी बताइए कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ से अगर बाइक कोई खरीदता है सेकेंड हैंड है तो उसके लिए सर्विसिंग वगैरह कुछ फ्री देते हैं या दो सर्विस फ्री देते हैं? दो सर्विस फ्री देते हैं तो कब कब वो फिर सर्विसिंग का टर्म आता है, टाइम आता है? सेकेंड हैंड गाड़ी का नया शोरूम तो है नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा नहीं कि दो सर्विस के बाद वो आएगा तो हम उसे नहीं करेंगे। और कभी भी कस्टमर अगर हमारे यहाँ से गाड़ी लेंगे यहाँ का लाभ ले सकता है, फैसिलिटी का हमारा रहता है, कस्टमर तो यहाँ से लाभ ले सकता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आकर करा सकता है? बिल्कुल। आप अच्छा ये बताइए अमन जी कि आपके यहाँ अगर कोई फाइनेंस पर सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहे तो क्या आपके यहाँ फैसिलिटी है? देखिए हमारे पास, हमारे यहाँ गाड़ियाँ फाइनेंस पे जाती थी, गाड़ियाँ हमने छोड़ी, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से ये बंद हो गया है, बैंक ने फाइनेंस करना बंद कर दिया है। तो अगर इन फ्यूचर आता है 6 महीने बाद या साल बाद तो मैं वो भी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे कस्टमर को, देंगे कि सेकेंड हैंड बाइक आपके यहाँ से किसी भी कंपनी किसी भी मॉडल का और हर तरह से आप सेकेंड हैंड खरीद सकता है पूरे कागज़ के साथ फाइनेंस के साथ, जो फ्यूचर में वो फैसिलिटी का अवेलेबल कराया जाएगा, लॉकडाउन को लेकर अभी बंद कर दिया गया है ना। तो दोस्तों ये ढंग से आपको एक नई जानकारी मिली है और ये अपनी जी का जो पांडेपुर में जो सेकेंड हैंड बाइक का जो शोरूम है वहाँ आकर आप पुरानी बाइक खरीद सकते हैं पूरे कागज के साथ, किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी। और मैं यहाँ पर कुछ कस्टमर है तो मैं उनसे बात करता हूँ कि वो खरीदने के लिए आए तो किस ढंग का वो बाइक चाहिए, किस रेंज का, किस मॉडल का, एवरेज वगैरह क्या देख के खरीदते, तो मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ जो सेकेंड हैंड बाइक खरीदने आए हैं, तो यहाँ की फैसिलिटी उनको कैसी लगती है और कितने बार आए हैं या पहली बार आए, तो मैं उनसे बात करता हूँ। चलिए, तो आपका क्या नाम है? नवीन देव वर्मा। अच्छा, नवीन देव वर्मा। नवीन देव वर्मा जी, आप यहाँ पर आए हैं सेकेंड हैंड बाइक खरीदने, अमनीश जी का जो शोरूम है पांडेपुर में वहाँ आप आए हैं, तो किस ढंग की आपको बाइक चाहिए? मुझे जो है एक आने जाने के लिए बाइक चाहिए। अच्छा, आने जाने के लिए कमर्शियल पर्पज से? जी जी जी। अच्छा, तो आप पहली बार आए यहाँ, पहले भी खरीद चुके हैं? भैया के यहाँ से 4 बाइक जो है पहले से परचेज किया हुआ है। अच्छा, वो 4 बाइक जो आपने यहाँ से परचेज किया खरीदा है तो उसका क्या सर्विसिंग रहा? वो बहुत ही जो है अच्छी जो है सर्विस रहे हैं, ठीक है, भैया का बात व्यवहार भी अच्छा रहा है। तो आप लोग जो बाइक खरीदते हैं तो क्या देख कर खरीदते हैं? उसमें हम लोग इंजन वगैरह देखते हैं, ठीक रहा, और भैया ने जो हमें अभी 4 बाइक दिए वो उस बाइक से हम लोग संतुष्ट हैं। कागज वगैरह देखते हैं, माइलेज एवरेज मॉडल वगैरह देखते हैं, किसी बाइक कोई संतुष्ट होते तभी खरीदते हैं, उसके बाद प्राइस वगैरह की बात होती है जी ढंग से है। तो चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपने एक नई जानकारी दी। मैं यहाँ के मैं और कुछ कस्टमर से बात करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और कस्टमर, मैं उनसे बात करता हूँ। हेलो, आपका क्या नाम हुआ? अश्विनी पटेल। अश्विनी पटेल जी, आप यहाँ बाइक खरीदने आए का? हाँ। अच्छा अच्छा, पहली बार आए हैं?
नहीं हाँ दूसरी बार आए हैं तो चेक करने आया है या आइडिया लेने आया है या पर फाइनल खरीदने आए हैं आप? वही देखने आए हैं कि कैसा है बाइक। अच्छा अच्छा, अभी आइडिया लेने आया है, पसंद कर रहे हैं कौन सा मॉडल का, किस रेंज का है ना, माइलेज वगैरह क्या देता, कौन कंपनी का आप लेना, हाँ। किस कंपनी का आप चॉइस करते हैं? साइन का, होंडा साइन। क्यों पसंद आता है आपको वो? वही देखना चाहते हैं। मैंने वो होंडा साइन आप क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या उसके चलाने में सहूलियत होती है, स्पीड ज़्यादा है, एवरेज क्या है? एवरेज ठीक है हाँ, आवाज़ कम है। अच्छा अच्छा, इसलिए हमें होंडा साइन पसंद। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक नई जानकारी दी। तो दोस्तों आप भी यहाँ आकर जो पांडेपुर वाराणसी जो बीटी मॉल में दोस्तों जस्ट पीछे दोस्तों सामने वाली गली से जब आएंगे जब तो वहाँ पर आप सेकेंड हैंड बाइक खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।